हेलो एंड वेलकम टू गुड़गांव वाले। मैं हूं अमन, मैं एकदम मस्त हूं और आशा करता हूं कि आप भी मस्ती में होंगे। मुझे क्या देख रहे हो? तो आज हम फिर से हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं रिद्धि सिद्धि। और ओकेजन मैं आपको वहां जाके बताऊंगा कि क्या है। अभी चलते हैं फटाफट रिद्धि सिद्धि क्योंकि हम हो गए हैं बहुत लेट। चलिए चलते हैं। आज हम आए हैं रिद्धि सिद्धि। मेरी नीतू भाभी का आज बर्थडे है तो वो आज पार्टी दे रही हैं, तो आइए आपको अंदर मिलाते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। चलिए, ये मैं अंदर जा ही रहा था और मेरे सामने आ गए गौरव सुदेव जी। कैसे हैं? क्या हाल है? दुआएं आपकी। नमस्ते। चलें सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आइए सर। वी विल फॉलो यू। नो, आई विल फॉलो यू। नमस्ते, कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। रुक जाओ, सबसे पहले भाभी दिखाएंगे। भाभी नमस्ते, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। कैसे हो? वीडियो के कॉन्शियस हो गई। हाँ, क्यों बना रहे थे? ये तो डिमांड थी आपकी। तो यहाँ पे हो रही है सेलिब्रेशन। फिर से इकट्ठे हो गए हैं नीतू भाभी का बर्थडे सेलिब्रेट करने। अब तो मिलते ही रहेंगे। तो अब आ गई है मेरे पास चाउमीन, आप देख सकते हैं आज मैं फूड ब्लॉगर बन गया हूँ। तो सबसे पहले हम खाएंगे भाभी की फेवरेट चाउमीन। उन्होंने सबसे हमसे पूछे भी नहीं चाउमीन मंगवा रखी है। गुड है, थोड़ी स्पाइसी है, गुड है। सबके पास अभी चाउमीन आई है, सब चाउमीन खाने में व्यस्त हैं। कैसी चाउमीन? भाभी वीडियो हैप्पी बर्थडे। भाई मैंने ना मंडली ज्वाइन कर ली है। तो ये आ गया हमारे पास मेन्यू आज का। इन्होंने कहा कुछ ऑर्डर करके खा लो, और अभी मेन्यू ही देख रहा तो इसमें स्प्रिंग रोल आ गए हैं। चाइनीज भी है, इंडियन मेन कोर्स भी है, पिज्ज़ा भी है, साउथ इंडियन है। तो ये एक फैमिली रेस्टोरेंट है जो भीमनगर में है। तो बहुत ही रीजनेबल प्राइसेज हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके आ रहा होगा। और यहाँ पे वेजिटेरियन है सारा, ऐसे ठंडे हो जाएंगे। अच्छा बेचारा गरम गरम नहीं। स्प्रिंग रोल एकदम गरम गरम आए हैं। ब्लॉग ना करूँ अपना, फूड रिव्यू ना दूँ। कैन यू पास मी द टिश्यू? और क्या है खाने में? कुछ भी मंगवा सकते हैं। छूट है पूरी, या दही के शोले ले आओ, दो प्लेट ले आओ। और बेवरेजेस में क्या क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक में मोहितो होगा। हाँ हाँ, वो कर दो। ये आ गया पनीर टिक्का, अब हम खाएंगे। ये मैं ऐसे वो लगाऊंगा कमने। This is something tasty. अगर आप रिद्धि सिद्धि आ रहे हैं तो पनीर टिक्का जरूर खाइए। ये
एक और मंगवाना चाहिए यार, एक पनीर टिक्का है। भाभी ध्यान से बैठ रहे अब तक कुछ नहीं खाया तो देगी बताओ ना किसके बर्थडे पार्टी में है, एक बार घूम के दिखाओ जे बहुत बढ़िया। सुनो सुनो ये है। अच्छा हेयर स्टाइलिस्ट भाभी ये YouTube पे तब डालूंगा जब आप सबसे सब्सक्राइब करवा दोगे। हाँ हाँ सबसे हैप्पी बर्थडे। इधर लाओ ना बुआ को। बुआ नमस्ते कैसे हो? ये आ गया पिज्जा। अब आपको देने लगा हूँ मैं पिज्जा का रिव्यू। चीज ओके ओके है, टॉपिंग भी ठीक है एंड पनीर वंस अगेन आ गया। छोले आ गए, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। पहले पनीर पहले आ गए दही के छोले जल्दी। हाँ अब आप खा सकते हैं। धन्यवाद। बीच में इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि ऐसे खत्म हो जाती है। देखिए मैंने अभी बस इतना ही किया था और देखिए ये देखिए खत्म हो गए। एक दही का छोला मेरे को दे दो। देखो एक ही बचा इतने में, तभी मैं पहले एकदम से दिखा दिया क्योंकि वो सजा हुआ अच्छा लगता है ना। उसमें पनीर बहुत टेस्टी है, लाजवाब। मम्मी कह रही है ज़्यादा टेस्टी नहीं है इसलिए मैं पनीर रोक के पहले ये खा रहा हूँ। नॉट दैट गुड। वहीं के छोले ही ऐसे लग रहे हैं जैसे स्टफ्ड ब्रेड रोल होते हैं ना, वो चीज़ नहीं आई महंगे चीज़। और काली मिर्च बहुत ही ज़्यादा है इसमें। जस्ट वेट ना। तो यहाँ पे भाभी मेरी पार्टी के बारे में बात कर रही थी इसलिए मैंने ऐसे इग्नोर सा कर दिया। एक आप सबको सजेशन है, रिद्धि सिद्धि आओ तो दही के छोले मत खाना, बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। एंड इफ यू आर पनीर लवर तो पनीर टिक्का जरूर खाना। यहाँ पे प्लेटें उठाई जा रही हैं, ऐसे लग रहे जैसे स्नैक्स खत्म हो गए हैं। यस आई वॉज राइट, स्नैक्स खत्म हो गए हैं, अब मेन कोर्स खाने का टाइम है।
मैंने सजा ली है थाली, अब मैं खाने लगाऊँ खाना। दाल मखनी बढ़िया है, मलाई कोफ्ता बढ़िया है, मिक्स वेज बढ़िया है, कढ़ाई पनीर भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। लच्छा परांठा बहुत टेस्टी है, फिर से आ गया लच्छा परांठा, बहुत गरम गरम गार्लिक नान आए हैं एकदम कैडे। ले लिए मैंने नान भी ले लिए, परांठे भी ले लिए, सब ले लिए। खाना भी बढ़िया और सर्विस भी बढ़िया है। मैं कुछ नहीं चाहिए, सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। मेरे भाई प्रतीक सचदेवा, एक आपको कमी बताएंगे इस रेस्टोरेंट के बारे में। यहाँ पे पेंगुइन सोडा नहीं मिला जो बहुत गंदी बात है, वो हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। सबसे पहली बात, हर रेस्टोरेंट में वर्जिन मोई तो जरूर होना चाहिए। कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है, पानी देना। ये आ गई हमारी रसमलाई, तो अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ की रसमलाई कैसी है। ठंडी है, मीठी है, लेकिन मलाई वाली वो नहीं है इसमें, मलाई नहीं है ये, रस दूध कह सकते हैं आप इसको। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली गुड, बहुत टेस्टी खाना था एंड सर्विस भी परफेक्टली फाइन। थैंक यू, ओके, थैंक यू भैया। YouTube पे आप देख सकते हैं गुड़गांव वाले के नाम से। तो आज हम आए थे रिद्धि सिद्धि पे, बहुत ही बढ़िया खाना हुआ और सर्विस भी एक नंबर की थी, मज़ा आ गया। भाभी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, तो मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार, ख्याल रखिएगा, ओके बाय। ये दारू पी हुए हैं।